हेलो दोस्तों, मैं नाम प्रेषिप्ता, आज आप देख रहे हैं व्लॉग्स आईपीजी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है गाइस, ये कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, आज की वीडियो हम कंपैरिजन करेंगे अर्बन ट्रेन के UT3002826 की अर्बन ट्रेन के ही UT3001826 के साथ। गाइस, इस वीडियो का जो टॉपिक था वो गाइस एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने दिया था, जिनका कमेंट यहाँ पे आ रहा होगा। तो थैंक यू भाई कि आपने हमें एक टॉपिक दिया और आपने कहा था तुम कैसे पीछे रह सकते थे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इन दोनों की फुल डिटेल एकदम कंपैरिजन करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली गाइस, वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एंड में कि इन दो साइकिल में से कौन सी साइकिल आपके लेने के लिए ज्यादा अच्छी है, और दोस्तों दोनों ही साइकिल में क्या क्या हमें मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे ना, तो जो उसे लाइक करना हो। जितने भाई लोग चैनल पहली बार है, तो प्लीज यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना ही देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर दोनों ही साइकिल में कंपैरिजन की शुरुआत करें, तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही साइकिल के अंदर हमें 16 इंचेस का एल्युमिनियम बॉडी का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एल्युमिनियम का होने की वजह से थोड़ा सा लाइट वेट भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों व्हील्स के बारे में बात करूं, तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर हमें 26 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों डुअल वॉल अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, जिससे दोस्तों इस साइकिल का लुक जो है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। गाइस, अगर इसमें मैं गियर्स के बारे में बात करूं, तो दोस्तों दोनों ही साइकिल में हमें 21 गियर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों शिमानो का है, और दोस्तों क्विक फायर थंब शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों शिमानो के लगे हुए आते हैं। गाइस, इन दोनों साइकिल में ब्रेक्स के बारे में बात करूं, तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर हमें 160mm के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही। और दोस्तों सस्पेंशन की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर हमें फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों साइकिल की कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर जो कंपैरिजन है, दोस्तों वो मोस्टली एकदम सेम आई हमारे स्पेशलिस्ट को लेकर। अब दोस्तों मेन बात आती है लुक की। अब दोस्तों दोनों साइकिल में लुक्स के बारे में बात करूं, तो दोस्तों अगर हम पहले 3002 के बारे में बात करें, तो इस साइकिल का लुक है वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, एकदम ब्राइट येलो रंग में आता है, अलग से देखने में पता लगता है। दोस्तों ग्राफिक वर्क भी मुझे काफी ज्यादा इसमें पसंद आया। वहीं दोस्तों सामने में 3001 के लुक्स के बारे में बात करूं, तो उसका जो लुक है वो भी मुझे काफी ज्यादा पर्सनली बहुत पसंद आया। दोस्तों मैट ब्लैक रंग का फ्रेम देखने को मिल जाता है, उसमें दोस्तों ब्लू रंग से काफी अच्छा ग्राफिक वर्क कर रखा है, तो दोस्तों वो जो साइकिल है वो भी मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों ये दोनों साइकिल का लुक है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों साइकिल के फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं, तो दोस्तों दोनों फ्रेम स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा सेम देखने को मिल जाता है, बस 3002 में थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा और 3001 में थोड़ा सा अप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों दोनों साइकिल का लुक काफी ज्यादा अमेजिंग है। आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको इन दो साइकिल में से किसका लुक ज्यादा पसंद आया। अब दोस्तों मेन बात करूं प्राइसिंग की, क्योंकि दोस्तों कंपैरिजन वीडियो में प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ जाता है सामने। अगर दोस्तों मैं दोनों की कंपैरिजन करूं प्राइसिंग को लेकर, तो दोस्तों अगर आप 3002 परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 13,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप 3001 परचेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको 14,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। गैस दोनों साइकिल में 1,000 रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कोई ये बड़ा फर्क नहीं है, आपको जो साइकिल अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इंडियन बन रहे हैं, हम हर जगह से एक एक रुपया बचाने की सोचते हैं। तो दोस्तों अगर उन्हीं के हिसाब से देखूं कि दोस्तों मेन बात है स्पेशलिस्ट की स्पेशलाइजेशन सेम है, कंपनी सेम है, ब्रांड सेम है, क्वालिटी हमें दोनों में सेम देखने मिलती है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आप 3002 की तरफ जा सकते हैं, कि वहां पे आपके पूरे 1,000 रुपए सेफ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको 3001 भी पसंद आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आप 3002 की तरफ जाइए, कि वहां पे आपके 1,000 रुपए सेफ हो जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आपको इन दोनों साइकिल में से कौन सी साइकिल ज्यादा अच्छी लगी। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप हमसे कुछ भी कहना बता, पूछना चाहते हैं स्पेशल लोकेशन पे कोई वीडियो देखना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स खाली है उसमें जब उसे लिख देना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन आएगा ना उसे ही जरूर दबाना था, ताकि आप ऐसी अच्छी बढ़िया बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं किसी अच्छी बढ़िया बेहतरीन वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।